स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। आपके लिए बता दें कि G7 शिखर सम्मेलन से पहले जापान के मंत्री कोनो तारो ने किया है एक बड़ा ऐलान कि वो जल्द ही भारत में इस्तेमाल होने वाले UPI को शामिल करेंगे अपने रोजमर्रा की प्रणाली में। तो वहीं दूसरी तरफ G7 शिखर सम्मेलन में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जाने से बौखलाई है कांग्रेस। दरअसल आपके लिए बता दें कि जापान के हिरोशिमा में जो सम्मेलन हो रहा है, G7 सम्मेलन हो रहा है, उसका हिस्सा तो नहीं है भारत, पर उसके बावजूद भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जापान ने स्पेशल इनविटेशन भेजा था, जिसके लिए आज PM नरेंद्र मोदी जापान के लिए रवाना हो चुके हैं और अब से कुछ ही घंटों में वो जापान के हिरोशिमा भी पहुंच जाएंगे G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए, क्योंकि PM नरेंद्र मोदी वहां पर यानी कि G7 शिखर सम्मेलन में चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाए गए हैं। जहां एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डंका आज विदेशों में भी बज रहा है कि ये PM नरेंद्र मोदी का चौथा G7 शिखर सम्मेलन है जिसमें वो शामिल होने जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब कांग्रेस के नेताओं की बौखलाहट जो है वो PM नरेंद्र मोदी के इस दौरे को लेकर सामने आ रही है। और वहीं दूसरी तरफ भारत जो है वो लगातार प्रगति करता हुआ नजर आ रहा है और ये बात जो है वो जनता के द्वारा की जा रही है। जिस तरीके से जापान के मंत्री ने ये ऐलान किया है कि वो UPI को जल्द ही अपने प्रणाली में शामिल करेंगे। आपके लिए बता दें कि जापान पहला देश नहीं है जिसने UPI को लेकर तारीफ की है और कहा है कि UPI को हम भी अपनी प्रणाली में शामिल करेंगे और रोजमर्रा की जिंदगी में UPI इस्तेमाल हुआ करेगा। जिस तरीके से भारत में UPI के जरिए काफी इजीली तरीके से जो है वो पेमेंट किया जा रहा है UPI के जरिए, और ये UPI जो है वो भी देश की केंद्र सरकार के यानी कि मोदी सरकार के द्वारा ही अभी 8 से 9 साल पहले लाया गया था, जिसको लेकर आज लगातार जो है वो कांग्रेस पार्टी सवाल उठाती हुई नजर आती है, तो कभी GST को लेकर भी ताने कसते हुए नजर आते हैं कांग्रेस के नेता। पर इसी के साथ अगर हम बात करें कि आज जो बौखलाहट सामने आई है कांग्रेस के नेता जयराम रमेश की, कि एक तरफ PM नरेंद्र मोदी G7 के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पहुंच रहे हैं जापान के हिरोशिमा और आज भारत को अलग ही नजरों से देखा जा रहा है, तो उसी पूरे मामले को लेकर जयराम रमेश ने ट्वीट किया है जिस पर उनकी बौखलाहट जो है वो सामने आई है। जिस तरीके से उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि जापान के हिरोशिमा में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले स्वयंभू विश्वगुरु के इर्द गिर्द प्रचार की फैक्ट्री ने नकली आख्यानों का निर्माण शुरू कर दिया है, पर हकीकत तो ये है कि विकसित देशों के शिखर सम्मेलन 1976 में बहुत पहले हो गए थे और 2003 में पहली बार कुछ अन्य देशों के साथ भारत को आमंत्रित किया गया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह नियमित रूप से ऐसे G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेते थे, यानी कि आज कांग्रेस जो है वो ये कह रही है कि 2003 में जो है वो भारत के लिए पहला इन्विटेशन आया था। खैर उस पर भी हम बात करेंगे, पर पहले इनका पहले ट्वीट पढ़ लेते हैं। और इसी के साथ जयराम रमेश ने लिखा है कि ये सब तो ढोल पीटना ना केवल महान नेता के आत्म महिम का काम करता है बल्कि शासन की निरंतरता और पिछली सरकारों के योगदान को भी मिटा देता है। जिस तरीके से आज PM नरेंद्र मोदी को लेकर कहा जा रहा है कि वो G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए जा रहे हैं, और इसी के साथ जयराम रमेश ने यह भी लिखा कि ये खबर कि जापान की एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI भुगतान प्रणाली को लेकर, यानी कि एक तरफ जो है वो UPI को लेकर लगातार जो है वो भारतीय तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं कि ये मोदी सरकार का करिश्मा है जिसके चलते आज UPI को जो है वो विश्व भर में एक नई पहचान मिल रही है और एक एक करके जो देश हैं वो UPI को अपनाने की बात और UPI को लेकर ये कह रहे हैं कि वो अपने देश में भी UPI को शुरू करेंगे और अपनी प्रणाली में शामिल करेंगे।
आपके लिए बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी के इस दौरे को लेकर कांग्रेस की बौखलाहट तो जरूर सामने आ रही है, पर यह भारत के लिए काफी ज्यादा मायने भी रखता है, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी इस G7 शिखर सम्मेलन में अपनी बात को रखेंगे, जिसमें कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जिस पर पीएम नरेंद्र मोदी और तमाम जो और देशों के वहां पर प्रधानमंत्री से लेकर प्राइम मिनिस्टर मौजूद होंगे उनसे बात भी की जाएगी। आपके लिए बता दें कि G7 सम्मेलन के बाद पीएम नरेंद्र मोदी अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन से भी मुलाकात करेंगे और इसी के साथ तमाम देशों के साथ बैठकर जो है वो यूक्रेन और रशिया के महायुद्ध पर भी बात की जाएगी। अगर हम बात कर रहे हैं महायुद्ध को लेकर, यानी कि एक साल से ज्यादा से चल रहे यूक्रेन और रशिया के वॉर को लेकर, तो यहां पर भी भारत की ताकत जो है वो देखी जा सकती है कि एक तरफ अमेरिका और तमाम देशों की तरफ से कहा गया कि इस युद्ध को सिर्फ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही रुकवा सकते हैं, तो उसके बावजूद भी आज भी भारत जो है वो रशिया से तेल खरीद रहा है, जहां दोनों देशों को लेकर अलग अलग गुट बढ़ चुके हैं। कुछ देश जो हैं जो नाटो देश हैं वो यूक्रेन को समर्थन कर रहे हैं और जो तमाम और देश हैं वो रशिया को समर्थन कर रहे हैं, पर भारत एक ऐसा देश है जो कि दोनों ही देशों से अच्छे संबंध बनाए हैं और आज भी रशिया के साथ वो तमाम डील कर रहा है, जिसको लेकर आज भी किसी एक देश ने इस पर सवाल नहीं उठाया है। और ये है भारत की शक्ति और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति, कि आज कोई भी जो देश है वो भारत को दुश्मनी नजरों से नहीं देख रहा है, क्योंकि ये विदेश नीति जो है वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक करिश्मा है, जिसका डंका आज देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बज रहा है, जिसको लेकर आज देश की जनता भी यही बात कह रही है कि पीएम नरेंद्र मोदी की वजह से ही आज भारत को एक नई पहचान मिली है। और वहीं दूसरी तरफ आपके लिए बता दें कि एक तरफ अगर यूपीआई को लेकर जिक्र करें, यूपीआई को लेकर भी कांग्रेस की तरफ से सवाल उठाए गए थे और उनके नेताओं की तरफ से तमाम बातें कही गई थी, पर जिस तरीके से आज यूपीआई को इस्तेमाल करने वाले, यानी कि यूपीआई पेमेंट को आज इस्तेमाल करने वाले भारत में 300 मिलियन से ज़्यादा लोग हैं जो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसका इस्तेमाल करते हैं, और आज इसका असर जो है वो विदेशों पर भी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और इसीलिए एक के बाद एक देश जो है वो आगे आ रहे हैं और कह रहे हैं कि हम यूपीआई भुगतान प्रणाली को अपनी प्रणाली में शामिल करेंगे। इसी के साथ अगर कांग्रेस के विरोध को लेकर बात की जाए, जैसा कि जयराम रमेश ने ट्वीट करके कहा कि 2003 में सबसे पहले जी शिखर सम्मेलन का को लेकर स्पेशल इनविटेशन जो है वो 2003 में आया था, तो आपके लिए बता दें कि 2003 में जो इन्विटेशन आया था उस समय पर भी देश में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, और उस समय पर भी अगर हम प्रधानमंत्री की बात करें तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। और आज अगर कांग्रेस के नेता डॉक्टर मनमोहन सिंह, यानी कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री को लेकर ये बात कह रहे हैं कि वो भी ऐसे शिखर सम्मेलनों में जाया करते थे, तो आज जनता ये भी कह रही है कि पहले के प्रधानमंत्री बेशक गए हों, पर आज पीएम नरेंद्र मोदी जब विदेश जाते हैं और विदेश नीतियों पर काम करते हैं और किसी मुद्दे पर बोलते हैं तो उसकी गूंज जो है वो विश्व भर में उठती है, और यही बड़ा कारण है कि आज भारत का औहदा जो है वो पहले से काफी ज्यादा बढ़ा है, और आज भारत के पासपोर्ट को भी काफी ज्यादा सम्मान मिलता है। इस तरीके की बातें जो हैं आज वो लोग सोशल मीडिया पर कहते हुए नजर आ रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी की इस विजिट को लेकर, क्योंकि अभी पीएम नरेंद्र मोदी जो हैं वो पहुंचने ही वाले होंगे हिरोशिमा, जिसके बाद शाम का प्रोग्राम और कल की चीजें जो हैं वो शुरू की जाएंगी। पर कांग्रेस की ये बौखलाहट और ये कहना कि विश्व गुरु बनने का फेक प्रचार जो है वो किया जा रहा है, ये बौखलाहट दिखा रहा है उस कांग्रेस की जिसने कभी भी चाहे देश को आगे बढ़ते हुए नहीं चाहा था, और आज अगर देश आगे बढ़ रहा है तो इस तरीके के कमेंट जो हैं वो किए जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से। कभी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश की विजिटों को लेकर कहा जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ सेंट्रल विस्टा जैसे प्रोजेक्ट पर भी सवाल उठाने वाली कोई और पार्टी नहीं बल्कि कांग्रेस ही है, जो सेंट्रल
विस्टा से लेकर भारतीय सेना के लिए जब भी कोई कदम केंद्र सरकार की तरफ से उठाया जाता है तो सबसे पहले सवाल करने वाले कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस के नेता ही होते हैं, जिस पर आज जनता खुद ही जयराम रमेश और पूरी कांग्रेस को जवाब दे रही है, जो उनकी तरफ से विश्व गुरु को लेकर, और ये कहा गया है कि विश्व गुरु बनने का फेक प्रचार जो है वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के शासन काल में कितना विकास भारत का हुआ है आज ये तमाम जनता जानती है, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है और आज जनता हर चीज को गूगल पर सर्च करके या फिर किताबों में पढ़कर ही बोलती है, और आज कांग्रेस का असली चेहरा देश के सामने है और इसीलिए कांग्रेस की बौखलाहट भी देश की जनता को अब समझ आने लगी है। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।